केएल राहुल बेंगलोर में और ऋषभ पंत चेन्नई में। आईपीएल 2025 के आने में अभी 10 महीने बाकी हैं, लेकिन प्लेयर्स का बाजार अभी से गर्म हो चुका है। कलाइंग कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के बाजार में मच चुका है तहलका, जिसमें पहला नाम आया केएल राहुल का। केएल राहुल भाई हमारे लखनऊ को छोड़कर आ रहे हैं बेंगलुरु, यानी अपनी होम फ्रेंचाइज में वापस आएंगे केएल राहुल। लास्ट टाइम जब केएल राहुल आरसीबी की टीम में थे, तब साल था 2016, जब आरसीबी फाइनल्स में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हारी थी। लेकिन उसके बाद से केएल राहुल का सफर कुछ अलग ही रहा है। पहले किंग्स इलेवन पंजाब के कैप्टन बनना और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को लीड करके केएल राहुल अब एक सीनियर प्लेयर बन चुके हैं। रिपोर्ट तो ये भी कह रही है केएल राहुल के बेंगलुरु आने से लखनऊ सुपर जायंट्स ज्यादा खुश है। दरअसल केएल राहुल का स्ट्राइक रेट पिछले कुछ सीजन में अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से लखनऊ के परफॉर्मेंस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। लखनऊ सुपर जायंट्स इस साल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी और सातवें पोजीशन पर अपना सीजन खत्म किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां पहले विराट और डिविलियर्स को देखकर लोग बोलते थे इट्स लाइक मेसी एंड रोनाल्डो प्लेइंग फॉर द सेम फ्रेंचाइज, अब डुप्लेसी और केएल राहुल को साथ देखकर बोलेंगे इट्स लाइक बाबर एंड रिजवान प्लेइंग फॉर द सेम फ्रेंचाइज। लेकिन अपने केएल भाई कुछ इतने ही बुरे नहीं है, हो सकता है बेंगलोर का ग्राउंड उनको रास आ जाए और ई साला कप नमदे आखिरकार पॉसिबल हो पाए। इसके बाद जो दूसरी बड़ी रिपोर्ट आई वो आई कि ऋषभ पंत जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ, जहाँ पे थला चिन्ना थला और रविंद्र जडेजा के सफर लगभग खत्म हो चुके हैं, वहां पर अब ऋषभ पंत एक नए कैप्टेंसी ऑप्शन के तौर पे चेन्नई सुपर किंग्स मूव कर सकते हैं। इसके बाद ये है हमारे ऋतुराज गायकवाड़ का रिएक्शन। ये राशि कितने की है, क्या करनी है? खुदकुशी करनी है, चलो दूसरी देता हूँ, मजबूत भी है सस्ती भी है, ज्यादा करके लोग यही वापरते। क्या दाम है इसका? 2 रुपया। 1.5 रुपए में दो ना। लाओ दूसरा दुकान देखो। अच्छा साला, मरते मरते 8 नहीं बचा सकता। मतलब ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अपने आप को काफी अनलकी महसूस करेंगे अगर ऐसा हो गया तो। तीसरी बड़ी खबर आ रही थी जो सबको चौंका देने वाली थी, वो है कि स्काई बुमराह और रोहित शर्मा तीनों मुंबई इंडियंस छोड़ने वाले हैं। ये एक तहलका मचा देने वाली खबर है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का पूरा कोर अगर बिखर गया तो ना तो वो कहीं मुंबई रहेंगे ना तो वो इंडियंस रहेंगे। पिछले 2 सीजन्स में खराब प्रदर्शन करने वाले मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा इन प्लेयर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब रोहित शर्मा के लिए दरवाजे खुल सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के या तो गुजरात टाइटंस के। वहीं स्काई और बुमराह दिख सकते हैं ऑक्शन में और लगता है कि मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड आ जाएगा खतरे में। आपकी क्या राय है इन रिपोर्ट्स के बारे में? अगर ऐसा कुछ हो गया तो आईपीएल देखने में मजा तो बहुत आएगा।